हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अंडर आर्म्स के कालेपन से परेशान रहते हैं, क्योंकि वो अंडर आर्म्स के हेयर रिमूव करते वक्त कुछ ऐसे केमिकल्स का या कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से वो काले होने लगते हैं। आजकल मार्केट में बहुत से ऐसी चीज़ें आती हैं जिसे हेयर रिमूव हो तो जाता है लेकिन वो कालापन छोड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके पास एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और जिससे आपके अंडर आर्म्स का कालापन बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग लेमन यूज़ करेंगे, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है और इसमें ब्लीचिंग क्वालिटीज़ भी होती हैं जो कालापन को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। और फ्रेंड्स, हम टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कोलगेट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे वाइट टूथपेस्ट चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बाउल में थोड़ा सा कोलगेट लेंगे या थोड़ा सा टूथपेस्ट लेंगे, जितना हम टूथपेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उतना। फ्रेंड्स, अब हम एक चम्मच नींबू का रस लेंगे और टूथपेस्ट में मिक्स करेंगे। इसमें नींबू के जो दाने हैं आप उसको हटा सकते हैं और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। हमने कोलगेट इसलिए यूज़ किया है, टूथपेस्ट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये स्किन को वाइट करने में बहुत कारगर होता है, बहुत हेल्प करता है स्किन को वाइट करने में, और इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो हमारे स्किन को डैमेज भी नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम इसे कॉटन की हेल्प से या फिर अपने हाथों से अंडर आर्म्स में कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से लगाने के बाद हम एक लेमन का टुकड़ा जो हमने काट के रखा था उससे इसके ऊपर स्क्रब करेंगे और इसे इस तरीके से मसाज करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा 5 से 10 मिनट तक आप करेंगे और आपको इसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आपका अंडर आर्म्स जो बहुत ही टाइम से काला हो रहा था और आप बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, ये नुस्खा आजमाने के बाद आपको आपका अंडर आर्म्स बहुत ही ब्राइट लगने लगेगा और बहुत ही जल्दी आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। और आप इसे वॉश कीजिए ठंडे पानी से। तो मैं इसे वॉश करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे वॉश किया है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। इसी तरीके से अगर आप रोज़ाना अपने अंडर आर्म्स को मिक्सचर के हेल्प से स्क्रब करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह नुस्खा अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।